देखिए दो तीन बातें हुई, मैंने तब ने जवाब देना ठीक नहीं समझा जब ये बातें हुई, क्योंकि उस समय मेरे घर में कोई शोक का वातावरण चल रहा था। पहली बात तो पहले तो खेल मंत्री ये स्पष्ट कर लें कि 126 करोड़ की ही टी शर्ट खरीदी गई है कि नहीं, पहले तो वो अपनी नॉलेज ठीक दुरुस्त कर लें। दूसरा, राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक की वजह से प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का हिट राजस्थान फिट राजस्थान का जो सपना था, 58.5 लाख लोग खेल के मैदान पर उतरे और उसमें से 24.5 लाख हमारी बहनें और माताएं थीं। मैंने अनेकों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ये कोई ओलंपिक्स में मेडल लेने के लिए नहीं हो रहा है, ये खेलों का वातावरण फिर से पैदा हो, गांव-गांव में, छोटे छोटे गाँव में लोग अपने घरों से निकलें। लॉकडाउन की वजह से मोबाइल में ज़्यादा इंगेज हो जाने की वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो घरों से निकले और फिर से खेल के मैदान पर उनको रुचि पैदा हो, उसके लिए ही आयोजन हो रहा है हिट राजस्थान और फिट राजस्थान। जहाँ तक बात है, फिर दूसरी बात यह होती है कि 140 करोड़ का ग्रामीण ओलंपिक हो गया, इसमें कोई स्टेडियम नहीं बने। मुझे लगता है कि ये कोई नौसिखिया मंत्री ऐसी बात कर सकता है? आयोजन का पैसा निर्माण में कैसे लग सकता है और निर्माण का पैसा आयोजन में कैसे लग सकता है? तो मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा था कि ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन में 140 करोड़ रुपए लगाएंगे, खुले सदन में सबको कहा, तो आयोजन का पैसा निर्माण में, स्टेडियम के निर्माण में कैसे लग सकता है? और जो स्टेडियम के निर्माण के लिए पैसा होता है, निर्माण के हेड का जो पैसा होता है, वो आयोजन में नहीं लग सकता? पहले तो उनको थोड़ा सा, एक मंत्री हैं तो थोड़ा मंत्री की तरह पेश आए। और जब तक, जहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि 126 करोड़ की कोई टी शर्ट परचेज में कोई घोटाला हो गया, तो मैं तो यहाँ पर आपके सामने खुला कहता हूँ कि खेल मंत्री 3 महीने 6 महीने 9 महीने 10 महीने 12 महीने एक फिक्स टाइम लिमिट का जांच का दावा करें कि इतने समय में या तो पूर्व खेल मंत्री को जेल में डाल दूंगा, नहीं तो मैं खेल विभाग से इस्तीफा दे दूंगा। आपको लगता है ऐसा क्यों बोला उन्होंने? इस तरह के मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ उनको, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट दे मीडिया में आकर कि 6 महीने 9 महीने 12 महीने मैं जांच पूरी करूंगा, और या तो मैं पूर्व खेल मंत्री को जेल में डाल दूंगा, नहीं तो मैं खेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दूंगा। वो दावा करें, थोती बातें करने से, किसी के पूर्व कार्यकाल के ऊपर लांछन फेंकने से उनके कार्यकाल में कोई उपलब्धि नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि वो जिस प्रकार से पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी के राज में सामान्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल विभाग कहां से कहां पहुंचा, उसको वहां से आगे ले जाने की बात करें, ना कि थोते आरोप और थोती बातें करके जो मोटिव है उससे भटकें, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। और है तो चैलेंज, आई चैलेंज हिम कि वो मीडिया में आए और दावा करें कि 6 महीना या 12 महीने में ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। मालवीय जी छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस, क्या कहेंगे? अभी तक तो सुनी सुनाई खबरें हैं, अब कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वो तो बहुत सीनियर लीडर रहे हैं हमारे, राज भी हैं, अभी तक तो हैं, जब तक कि ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हो जाती है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, अनेकों बार MP का टिकट भी दिया, MLAs का टिकट भी दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी कोई किसी के लिए कमी रखी नहीं। बाकी तो उनके ऊपर, इतने सीनियर लीडर के ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ? जिला प्रमुख उनके घर से कई अनेकों बार बने, मेंबर पार्लियामेंट अनेकों बार लड़े रहे भी सही, MLAs कम से कम 4-5 बार लड़े रहे भी सही, कि 2 बार राज आया उनके रहते हुए, कैबिनेट मंत्री 2 बार बनाया। तो अब इसके बाद भी अगर ये भी कम है तो देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि अभी भी वो रुक जाएंगे, रुक जाने चाहिए। और 2-2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हुए लोग अगर BJP में चले गए तो BJP भी दुखी पाएगी, BJP भी एक दिन माथा पकड़ेगी अपना। BJP में कांग्रेस से और बाहर की पार्टी से इतने लोग क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि BJP में कुछ है ही नहीं, BJP के नेताओं को मोदी जी ने मार दिया। अब टैलेंटेड लीडर्स तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जन भावनाओं को समझने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, इसलिए वो देख रहे हैं। लेकिन उनको अभी थोड़े दिनों में पता लगेगा कि दोनों तरफ ही कांग्रेस है। वो जिस स्पीड से कांग्रेस नेताओं को ले रहे हैं, तो दोनों कांग्रेस विचारधारा ही पूरे देश में सभी पार्टियों में हो जाने वाली है, भारत जनता पार्टी की विचारधारा खत्म हो जाने वाली है। ED का दबाव देख तो नहीं करे इसको? अब ED का दबाव और जेल का दबाव, देखिए राजनीति में कई दबाव और कई खतरे होते हैं। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति राजनीति में आए, उन खतरों को अगर ले जाने की उसकी हिम्मत है तो ही राजनीति में रहे, नहीं तो बढ़िया अपने नौकरी करो, बढ़िया अपने बीवी बच्चे पालो, क्या दिक्कत है? क्यों फालतू में लोगों की बातों को उठाने की बात करते हैं? लोगों का नेता अपने आप को कहते हैं, तो नेता तो आज़ादी के पहले भी जेलों में रहते थे, और आज़ादी के बाद भी अगर नेता है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा।